क्या होता है जब आप एक फौजी होते हैं लेकिन आप भारतीय रेलवे के बहुत बड़े फैन होते हैं, फिर वो जो अचानक जो कीड़ा होता है ना वो फैन वाला, फिर अचानक आपके अंदर वो घुसने लगता है और फिर आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा करने को मतलब बेचैन हो जाते हैं, जो अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरेंद्र और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक डिफेंस पर्सनल हूँ, लेकिन भारतीय रेल के जरिए नॉर्थ ईस्ट और कह सकते हैं बिहार से और जो हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं उस क्षेत्र को आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी, और यदि मैं इसमें सफल हो जाऊँ तो मेरे लिए भाग्य की बात है। चूँकि ट्रेन हमारी कामाख्या से खुली थी और उस टाइम मैं ट्रेन का वीडियो नहीं ले पाया था, इसके लिए मैं बहुत ही आपसे खेद प्रकट करता हूँ। हालांकि मैंने वीडियो जब चालू किया तब ट्रेन अलीपुर द्वार आ चुकी थी और वहां से स्टार्ट हो चुकी थी। अभी जो स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं यह है हासीमारा। हासीमारा जो आप देखेंगे या आप गए होंगे तो आपको पता होगा, वरना आप जब भारत के नक्शे पे देखेंगे तो ये बिल्कुल भूटान के करीब है और वहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन भी है। बहुत ही अच्छी जगह है, कभी आपको टाइम मिले तो आप हासीमारा आइए, बहुत ही अच्छी जगह, आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा दोस्तों। अभी हमारी ट्रेन जिस स्टेशन से निकल रही है दोस्तों, इसका नाम है बिन्नागुड़ी। यह वेस्ट बंगाल में पड़ता है। स्टेशन तो बहुत ही छोटा है लेकिन इसके जो नज़ारे हैं, इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता है इस क्षेत्र की, वो निश्चित रूप से आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आनंद लीजिए आप इस खूबसूरत छटा का। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। अभी हमारी ट्रेन चाय के बागान से होते हुए निकल रही है। आप देख सकते हैं कितना मनमोहक और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। बंगाल और आसाम का जब जिक्र किया जाता है उसमें चायों की चर्चा जरूर की जाती है, और कितना सुंदर दृश्य है आप देख सकते हैं। अभी आपको एक रेल ब्रिज मिलेगा और उसके नीचे देखिए, आप देख सकते हैं ये जो नदी आ रही है, इसको हम एक्चुअली में जल ढाका बोलते हैं। जो ये नदी आती है ये भूटान से आ रही है। इसका पानी देखिएगा दोस्तों, कितना साफ कितना क्लीन है एकदम। और यहाँ के लोग बिल्कुल अमन पसंद हैं, बिल्कुल गंदगी नहीं फैलाते, और सबसे बड़ी बात है कि आबादी बहुत कम है यहाँ की, जिस वजह से ये प्राकृतिक चीज़ें आपको और अच्छे से दिख पाती हैं। हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे चप्पर मारी फॉरेस्ट में घुसने वाली है, जिसको चप्पर मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं एक्चुअली में। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य, तो आनंद लीजिए आने वाले कुछ क्षणों में आप इन सुंदर दृश्यों का। और मैं चप्पर मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि बात करूं तो 1998 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ आने के लिए आपको जो निकटतम स्थान है वो जलपाईगुड़ी है, माल बाज़ार है और मैनागुड़ी है, जो यहाँ से लगभग 30 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत ही ये सभी जगह आते हैं। तो जब आपको आना होगा आप इन किन्हीं जगहों में आके यहाँ का भ्रमण कर सकते हैं।
जब आप ट्रेन के सफ़र में हो और काफ़ी देर से आपने कुछ ना खाया हो और आपको अचानक झाल मुड़ी और उसके साथ में छाछ मिल गया तो उसकी बात ही अलग है दोस्तों। आनंद लीजिए मेरे साथ आप भी। ट्रेन हमारी धीरे धीरे पहुंच चुकी है सिलीगुड़ी स्टेशन पे, और सिलीगुड़ी का इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है ये किसी से भी छिपा नहीं है, और सबको पता है कि सिलीगुड़ी किस जगह पे है और क्या महत्व रखता है भारत के लिए। सामने जो आपको गाड़ियां दिख रही हैं ये आर्मी की एक ट्रक है, और सल्यूट है हमें इन जवानों को जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं और ये पूरा देश सुरक्षित है। तो अभी हम सिलीगुड़ी पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ के व्यूज़ स्टेशन के। छोटा सा ही स्टेशन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। यदि आपको और बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप सिलीगुड़ी की देख सकते हैं नेट में, आपको गूगल कर लीजिए, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी वहाँ से क्यों उसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। और हम अभी महानंदा रिवर को स्किप कर रहे हैं, देखने में कितनी गंदी लग रही है और इसकी हालत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण नदी है। ये छोटा सा नज़ारा सिलीगुड़ी टाउन का देख सकते हैं आप, काफ़ी छोटा टाउन है लेकिन बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और आप यहाँ से आने के बाद दार्जिलिंग की तरफ निकल सकते हैं, एक रूट गया हुआ है जो छोटी लाइन का रूट है, बहुत ही अच्छा रूट है। और यदि संभवतः कोई गया होगा तो निश्चित रूप से उसको पता होगा इस जगह के बारे में और उस रूट के बारे में। तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है आप इन रूट का आनंद लीजिए, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिलीगुड़ी से चलने के बाद और न्यू जलपाईगुड़ी से पहले इस रूट का एक घुमाव आता है, और आप देख सकते हैं कि रूट लगभग मैं 90 डिग्री या 180 डिग्री तो नहीं कहूँगा लेकिन 135 से लेकर 140 डिग्री तक का घुमाव है। शायद इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया लेकिन जैसे मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ट्रेन काफ़ी पहले से घूमी हुई है और आगे तक भी पूरी तरीके से घूम रही है। तो 145 संभवतः 145 डिग्री तक इस रूट का घुमाव है। अलीपुरद्वार स्टेशन से चलने के बाद जो सबसे पहला जो और सबसे जो बड़ा स्टेशन आता है, पहला तो नहीं कह सकते लेकिन चूँकि हमने हाँसीमारा और बीनागुड़ी जैसे स्टेशनों पर भी ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेशन आता है वो है न्यू जलपाईगुड़ी। और न्यू जलपाईगुड़ी यदि कोई गया होगा तो पता होगा कि कितनी दूर में फैला हुआ यह स्टेशन, और उसके बाहर का मार्केट का नज़ारा भी ज़रूर आप लोगों ने कभी न कभी ज़रूर उसको देखा होगा यदि ट्रेन काफ़ी देर के लिए वहाँ पर रुकी होगी तो। तो बहुत ही अच्छा स्टेशन है, और सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी फौज यहाँ पे रुकती है, उनके ट्रांजिट कैंप्स बहुत ज़्यादा हैं इधर, खासकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के। ट्रेन अपने अगले स्टॉपेज कटिहार जंक्शन पे थोड़ी देर से ही सही लेकिन शाम ढलते ही पहुँच गई, और शाम ढलने के बाद जो लाइट्स की सुंदरता देख सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से चमक रहा है ये स्टेशन। पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है इस मामले में स्टेशनों को चमकाने में, चाहे वो कहीं का स्टेशन हो। खासकर आप बिहार से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो स्टेशन आपको और सुंदर देखने को मिलते हैं। कटिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, चूँकि शाम का वक्त हो चुका है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको स्टेशन का रिव्यू कराते कराते एक स्टॉल पर ले चलूँ जहाँ पर चाय मिल रही थी वो भी कुल्हड़ में मिल रही थी दोस्तों। तो ठंडी का वक्त हो और यदि आपके पास चाय हो वो भी कुल्हड़ में तो क्यों नहीं, इसका तो आनंद ही दोगुना हो जाता है दोस्तों।
तो यहाँ से 20 मिनट की देरी से ट्रेन चूँकि पहुँची थी और 10 मिनट और डिले करके टोटल 30 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ से डिपार्च होती है। और यहाँ से एक कह सकते हैं खूबसूरत डिपार्चर इस ट्रेन का आपके सामने। कामाख्या इंदौर अपने अगले स्टॉपेज बरौनी स्टेशन पे 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। और आप आगे देखेंगे तो एक वेंडर ट्रेन से उतरते हुए इस ट्रेन को थोड़ा सा कहता है कि बहुत बुरी ट्रेन है ये, कुछ ऐसा कहते हुए उतरता है। अभी आप देख सकते हैं कुछ ही देर में, चूँकि 50-60 मिनट की देरी बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता हूँ ठंडी के दिनों में। चूँकि पहले आपको याद होगा ट्रेनें 12 से 13 घंटे की देरी से आती थी, कैंसिल हो जाती थी, उसकी अपेक्षा यदि 50 मिनट की देरी है तो बहुत तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सुधार की बहुत सारी गुंजाइश अभी भी है भारतीय रेलवे में। और आप साफ सफाई देख सकते हैं बरौनी स्टेशन की, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है इस रूट का ये। और आपको यदि याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बरौनी कानपुर पाइपलाइन कह सकते हैं, बरौनी कानपुर पाइपलाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन गई हुई है तेल की, जो आपके सामने अभी देख सकते हैं इंडियन ऑयल डिपो। और देखते ही देखते हमारी कामाख्या इंदौर बलिया स्टेशन पहुंच चुकी है। बलिया जिसे बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, और बागी बलिया क्यों कहते हैं ये आप हिस्ट्री उठा के पढ़ सकते हैं। मंगल पांडे जैसे महान क्रांतिकारी वीरों का ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए इसको बागी बलिया कहते हैं। यहीं से सबसे पहले बगावत की शुरुआत हुई थी। और चूँकि ठंडी का मौसम था, हमने भी चाय की चुस्कियों के साथ अलविदा किया इस बहुत ही खूबसूरत स्टेशन को। अब काफ़ी ज़्यादा विकास का काम किया गया है बलिया में, यदि देखा जाए तो पहले की अपेक्षा पिछले 3 से 4 सालों में स्टेशन में काफ़ी सुधार हुआ है। और मैं एक छोटा सा रिव्यू ट्रेन के अंदर का देना चाहूँगा, चूँकि स्लीपर क्लास है उसको देखते हुए भी थोड़ी सी गंदगी ज़रूर है। और ये गंदगी ये ट्रेन खुद आके नहीं करती है दोस्तों, ये हम आप जैसे यात्री करते हैं। हम जहाँ खा रहे हैं, जो सामान यूज़ कर रहे हैं, उनको कम से कम उनके उचित स्थान जो डस्टबिन दिया है वहाँ पे उसको हम फेंकें।
चूँकि ये ट्रेन भले ही कामाख्या से खुल के इंदौर के लिए जाती हो, लेकिन मेरा जो गंतव्य स्टेशन था वो वाराणसी जंक्शन था। तो मैं अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुँच चुका हूँ और मैं आपको अभी जो नज़ारे दिखा रहा हूँ ये वाराणसी जंक्शन के अंदर के नज़ारे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं लाइटों में कितना जगमगा सा रहा है ये स्टेशन। आप यदि 5-6 साल पहले गए होंगे तो आपको ऐसा नज़ारा नहीं दिखता रहा होगा, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए गए हैं वाराणसी स्टेशन पे। और इसके लिए मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे को, भारत सरकार को। आनंद लीजिए वाराणसी कैंट स्टेशन के इस भव्य नज़ारों का, सामने वाराणसी कैंट स्टेशन के ये सामने के नज़ारों और दीवार पर उकेरी गई इन कलाकृतियों का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इंदौर एक्सप्रेस।